अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गला जी मेरा अभी तक स्टिल थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ थोड़ी बैठी बैठी है, तो गुजारा कीजिएगा इस भयानक आवाज़ के साथ। देखा तो जनाब मेरे साथ ये सीन हुआ कि गैस चला गया, बस दो पराठे बने शाइन और उमर का, मेरा नहीं बन सका तो मैं दही खाने लगी हूँ और साथ चाय पीऊँगी। फाइनली जी घर में आ गई हैं क्लॉक्स, तो ये मेरे ससुर लेकर आए हैं, अब हम इसको ओपन करने लगे हैं, ये देखें। और ये अब लगाएंगे, सेल है नहीं तो बस फिर टाइम हमने फ़ोन पे देखना है और फिर घड़ी की तरफ देखना है जो जो आपको टाइम ठीक लगे उस पे चल पड़ना है। चलें जी, क्लॉक हो गई है ओपन और ये है कुछ इस तरह, वुड कलर में है, प्यारी है। देखें कलर चेक करें, एक ये कलर है, मुझे थोड़ा ब्राउन वाला ज़्यादा अच्छा लगा है तो अब हम ब्राउन वाला लगाएंगे, ठीक है। ये दो क्लॉक्स हैं, अभी फ़िलहाल हम एक लगाने लगे हैं क्योंकि हमें एक कील नज़र आई है। ये देखें जी क्लॉक लग गई है, मुझे इसका टन टन वाला तो वो नहीं समझ आई कि किधर लगना है, बस अभी टन टन आयत को दे दिया, आयत खेल रही है। और जी सुबह का टाइम है, सुबह नहीं 12 का टाइम है, चेक करें जी 2 बज गए हैं। अब शाइना बनाने लगी है जी गोश्त बड़े का, जो गाय का होता है ना वो वाला। उसने ये जी प्याज भी कट कर ली है, ठीक है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, नमक डाला है अब इसके अंदर, और जी हल्दी डाली है, ठीक है। ये चीज़ें डाल के अब जिसमें पानी डाल देना है और फिर हमने डाल देना है गोश्त। और ये देखें अब गोश्त डाल के इसके बाद जी कुकर लगा देना है इसको, और यहाँ जी बर्फ़ डालने लगे हैं पानी में, आज पानी वाला भी नहीं आया देने। और जी कुकर लग चुका है, ये देखें अब एक बार ओपन करके देखा है तो गोश्त ऑलमोस्ट गल गया है। अब इसमें डाल रहे हैं जी दही, दही के बाद डाल देना है आपने ऑयल, ऑयल के बाद डाल देना है कढ़ाई गोश्त मसाला और थोड़े से और मसाले, मतलब धनिया शनिया। और जी नींबू अब डाल दिए हैं, हरी मिर्चे, और सारा कुछ डाल के भुनाई कर ली है और ये बहुत मज़े का बन गया है। अब जी उरहान जाने लगा है अपने बाबा के साथ गांव, तो अब उसको मैं रेडी, उरहान रेडी हो गया है। ये मैंने इसका बकरीद पे ड्रेस बनवाया था तो सोचा आज पहना दूँ क्योंकि आज फ्राइडे है। तो जी माशाल्लाह से ये रेडी हो गया है, इसका फिडर वगैरह, इसकी जी इसका एक एक्स्ट्रा सूट मैंने इस बैग में रख दिया है ताकि इसके बाबा अगर चेंज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं उधर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये भी लॉन का पहना हुआ है, तो बस अभी जाने लगे हैं। और जी ये गांव की है वीडियो थोड़ी सी, मुझे वासिक ने भेजी है तो ये चेक करें जी उधर के, माशाल्लाह बड़ा खुश था उधर। और अभी मैंने जाना है मार्केट, क्योंकि मार्केट में बताती हूँ मैंने क्या क्या लेना है और क्या करना है। चलें जी चलते हैं मार्केट। देखें जी हम मार्केट आ गए हैं और ये है सादिक बाज़ार रहीमियार ख़ान का, तो अभी बस इसी से निकलने लगे हैं और इसके बाद मैंने जाना है शॉप पे। मेरे ससुर मेरे जेठ की शॉप है तो इस पे आई हूँ, और इस पे मैंने नोज पिन चेंज करवानी थी अपनी, पहले बहुत लाइट स्टोन था अब थोड़ा हैवी सा पहना है। और जी ये देखें अब हम आए हैं जे डॉट परफ्यूम हमने लेना था तो इधर आए हैं, टेस्टर चेक कर रहे हैं, इनके काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स हैं। जो मेरा फेवरेट है वो 502 वसीम अक्रम है, और इसके अलावा आज ऑलराउंडर की भी चेक की है, वो भी बहुत अच्छी है, यूलेजिव पता नहीं क्या है एक्सक्लूसिव वो वाला परफ्यूम भी बहुत अच्छा है, अच्छी लगी है फ्रेगनेंस। आज भी नहीं कि बंदा हर चीज़ में परफेक्ट हो, कुछ वर्ड्स नहीं भी आते, जिस तरह मुझे कॉन्ग्रेटुलेशंस नहीं आता था, अभी भी पता नहीं शायद मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही, नहीं पता। ओके जी अब घर आ गए हैं और फिर से जी चायें शुरू हैं, और अब जी आए हैं थोड़े गेस्ट, उरहान भी घर आ गया है और अब चाय बनाने लगे हैं। उम्र के पप्पो वगैरह आई हैं जी, उनको अब चाय देनी है। और ये मेरा कप है, उरहान यहाँ देखें जी लेटा हुआ है, उरहान की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब, नज़ला और थोड़ा थोड़ा सा फीवर भी है। मैंने नहीं पीती बनाना। ओके और अब जी रात का टाइम हो गया है, दोपहर में सब सो गए थे और अब हम जा रहे हैं प्लेयर लैंड, ये देखें जी पहुँच गए हैं बस,
ये रेमर खान में है, विलेज वाली साइड पे है। इसका जो एंट्री टिकट है वो 40 है। ठीक है जी, अब हम एंट्री करने लगे हैं। ये देखें रहान की हैप्पीनेस माशाल्लाह से चेक करें, ये बहुत खुश होता है ऐसी जगहों पे जाके। और जी आज हमारे साथ इशाल भी आई है, इशाल है और रहान है। और जी पार्क के अंदर जब हम आए तो पार्क बिल्कुल वीरान था। मुझे लगा था कि शायद बड़ा रश होगा, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं था। शायद हम हैं और एक दो और फैमिलीज होंगी, कुछ ख़ास नहीं। इन्वायरमेंट नॉर्मल है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं राइड्स के, बहुत ज़्यादा। मतलब कि जो भी रहान राइड ले रहा है इसके भी मतलब चार्ज हैं, मतलब नॉर्मल स्लाइड्स के भी। जल्दी से आओ, जल्दी से, पता है रहान भी आ रहा है, जल्दी से बच्चा, जल्दी 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 ये राइड बच्चे आ जाओ, जल्दी से आओ। वो देखो रहान आया, वो देखो रहान भी आ गए। वाओ आज छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हैंड छोड़ो। आजो आजो, इधर से आओ, दोनों इधर से आओ, आजो इशाल आप भी आओ। ओ ये क्या हो रहा है, चलो चलो, हाँ इसके ऊपर पैर रखो, नहीं चढ़ा जा रहा आपसे। छोटे बच्चों के लिए बस यही थे, और इसके अलावा मैं अभी आपको अंदर जा के दिखाती हूँ कि क्या है। बाकी सब बड़ों की राइड्स हैं। ये देखें जी मेरी नोज़ पिन जो आज मैंने वेयर की है, फोर स्टोन्स के साथ है। और ये देखें उरान खेल रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है इधर बस इसी राइड पे, और कहता है और कहीं नहीं जाना। और ये वाले झूले हैं, सॉरी झूले नहीं, ये वाले कुछ कॉइन्स वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बस कुछ ख़ास नहीं है इधर। और गर्मी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ रुका भी नहीं जा रहा है। देखें जी इस तरह का है, ट्रेन चल रही है, और रहान को कहा ट्रेन पे बैठ जाओ तो कहता है नहीं मम्मा डर लगता है, तो ट्रेन पे भी नहीं बैठ रहा। अब जी बस घर जाने लगे हैं, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।